देखिए, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से काफ़ी बयान आ चुका है शराबबंदी पर। शराबबंदी विफल है और शराबबंदी के पक्ष में हम लोग रहे हैं, लेकिन गरीब लोग नकली और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में सरकार तो पिछले 5-6 साल से लागू की हुई है और नियंत्रण नहीं कर पाई, इनकी विफलता पर ही सवाल उठ रहा है ना। तो इसलिए यह बात पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से कहा जा चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। समीक्षा कमरे में बैठकर समीक्षा से इसका समाधान थोड़ा ही निकलने वाला है, और जो रिव्यू है वो कानून जो है उस पर रिव्यू करने की बात कोई उठा रहा है तो बिल्कुल सही उठा रहा है, क्योंकि ये समीक्षा का मतलब ये है कि आप या तो उसको सख्ती से लागू कीजिए कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो, कोई अवैध शराब यहाँ नहीं आए और शराबबंदी पूरी तरह लागू, नहीं तो उस पर रिव्यू कीजिए कि क्या किया जा सकता है कि जहरीली शराब पीकर लोग न मरे, यह प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और यह पूरे देश से जो ओपिनियंस आए हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को, और सरकार बीजेपी में रहकर यदि कोई बात यह बात बोलता है या एनडीए की सरकार में रहकर, तो उनको उस पर प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन करना चाहिए, उस पर समर्थन वापस करना चाहिए यदि इतना सीरियसली ले रहे हैं तो। मैं वही कह रहा हूँ कि छीप पकड़ने से क्या होगा, जड़ पकड़िए ना, सोर्स कहाँ है, कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से शराब आ रहा है। सारा बॉर्डर सील करने का दावा कर रहे हैं और पहले भी करते थे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहाँ है। सब जगह तो एंट्री हो रही है, शराब मिल रहा था लंबे समय से, अब अभी जो शराब मैंने पीकर कोई घूम रहा हो या उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, सप्लाई वाले पर अभी तक हाथ नहीं डाला। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, और जिस सरकार ने पूरे बिहार में शराब के बिक्री का विस्तार किया, नौजवानों को शराब की लत लगाई, 7,500 पंचायतों में 15,000 शराब के दुकान खोले गए, और उस सरकार वह सरकार यदि कहती है कि हम गांधी हैं और गांधीवादी हैं तो यह विडंबना है। ABP News आपको रखे आगे।